हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हमारे एक यूजर्स का भैया काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा था कि भैया बिनांस ब्रिज क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो ही हम आपको बना के दे देते हैं, है कि नहीं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिनांस ब्रिज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके पास, जैसे कि मान लीजिए ERC-20 नेटवर्क का कोई आपके पास टोकन है, तो उसको जो है कि आप BEEP20 बिनांस वाला, ठीक है, BEEP20 या फिर जो है ERC-20 में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आए दिन इस समस्या से आपको जो है ना रूबरू होना पड़ता है भैया। तो आज मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके पास ERC-20 वाला USDT है, ठीक है, ERC-20 वाला USDT है, तो आप उसको ERC-20 USDT में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर BEEP20 USDT में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन का हो गया, समझ रहे। ये आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो देखिए भैया बिनांस ब्रिज क्या होता है वो मैं आपको आंसर दे देता हूं। देखिए सबसे पहले भैया बिनांस तो आप सभी जानते हैं, अब ब्रिज का मतलब ये होता है कि एक पार से इस पार से दूसरे पार, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जो है कि जाना, जो आपका ब्रिज जो होता है भैया उसका जो मेन काम होता है एक पार से दूसरे पार आपको ले जाना। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो में ब्रिज का मतलब ये है कि एक ब्लॉकचेन के नेटवर्क से दूसरे ब्लॉकचेन के नेटवर्क में शिफ्ट कराना, समझ रहे, या फिर क्वाइन कन्वर्ट कराना को हम ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे बिनांस ने क्या किया, पहले बिनांस ब्रिज अपना सिस्टम जो है उसने लॉन्च किया। अभी क्या है कि देखा देखी मैक्सिमम एक्सचेंज वाले जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, तो आपको मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आपको यहाँ पे ब्रिज की सुविधा मिल जाती है। आप जो है ERC-20 का USDT हो तो उसको आप जो है ना ERC-20 में कन्वर्ट कर सकते हैं, BEEP20 का हो तो उसको ERC-20 में कर सकते हैं। मतलब जितने भी नेटवर्क आपको मिल जाते हैं अलग अलग ब्लॉकचेन के, जैसे पॉलीगन हो गया, सोलाना हो गया, बिनांस हो गया, इथेरियम हो गया या फिर ट्रोन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी क्वाइन है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखेंगे आप यहाँ पे भैया क्वाइन ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको जाना है। जाने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए USDT टाइप करता हूँ, USDT, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने तरह के आपको USDT मिलते हैं, देखेंगे टीथर USDT है, ERC-20 का है, यहाँ पे ERC-20 है, ठीक है, यहाँ पे आपको BEEP20 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे आएंगे तो और भी आपको यहाँ पे USDT मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला भी USDT है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कई नेटवर्क यानी कई ब्लॉकचेन के आपको यहाँ पे USDT मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं BEEP2 का है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पॉलीगन वगैरह का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास, इसको मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, ERC-20 का इनेबल कर देता हूँ, TRC-20 का, उसके बाद यहाँ पे BEEP20 का, ये मैंने तीन इनेबल कर दिया। अब ये तीनों जो क्वाइन है आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों USDT के ही हैं, ठीक है। एक जो है आपका इथेरियम का है, एक ट्रोन का है, एक जो है आपका बिनांस का है। तो अब मान लीजिए आपके पास भैया यहाँ पे ये वाला जो है, ये मैं देख लेता हूँ, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए ERC-20 लिखा हुआ, यानी ये इथेरियम वाला USDT है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ, जो नीचे वाला इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको TRC-20 यानी ट्रोन वाला आपको USDT मिल जाएगा, ठीक है। ERC-20 में अगर आप USDT भेजेंगे ना तो आपका फी बहुत ज़्यादा कटता है, आप TRC-20 में USDT भेजेंगे तो आपका 1 USDT चार्ज कटता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन के लिए आपका ये वाला जो नेटवर्क है USDT का, ये आपके लिए बेस्ट होता है। अगर मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे ERC-20 में यहाँ पे USDT पड़ा हुआ है और आप इसको भेजना चाहते हैं, किसी ने मंगाया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ERC-20 वाला यहाँ से भेजेंगे उसका ERC-20 वाला एड्रेस लेके, तो आपका बहुत ज़्यादा फी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ERC-20 वाला USDT है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं TRC-20 में, ठीक है। TRC-20 में आपका USDT आ जाएगा, तो आप अगर आप भेजेंगे तो बहुत कम फी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाइन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो तरीके इसके लिए आपको मिलते हैं। पहला जो तरीका है किसी एक्सचेंज पे आप भेज के, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ERC-20 वाला यहाँ पे आपको नेटवर्क मिल जाएगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेंड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बिनांस का बता देता हूँ, जो बिनांस ब्रिज में बात कर रहा था वो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए बिनांस ओपन मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे वैलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए USDT अगर आप क्लिक करते हैं डिपॉजिट करने के लिए, मतलब यहाँ मंगाने के लिए, तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ERC-20 है, BEEP20 है, AVAX C-Chain है, BEEP2 है,
ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलीगन है, सोलाना है, TRC20 है। तो अब यहाँ पे बाइनांस आपसे पूछता है कि आप कौन से नेटवर्क वाला आप यहाँ पे USDT मंगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ERC20 वाला चूज करेंगे और आपका देखिए यहाँ पे ये वाला कोड है, मतलब ये आपका जो है कि इसको कॉपी कर लेंगे, वैलेट एड्रेस है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको आना पड़ेगा भैया ट्रस्ट वॉलेट में, आप यहाँ पे देखिए ERC20 है, यहाँ पे सेंड करिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसे सेंड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे USDT जितना भी है मैक्स करके आप यहाँ पे सेंड कर देंगे तो आपके बाइनांस पे चला जाएगा। अब देखिए बाइनांस पे आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे तो आपने ERC20 वाला जो है USDT डिपॉजिट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ आपको विड्रॉ का ऑप्शन एक मिल जाएगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे USDT विड्रॉ करना है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे ERC20 वाला जो है कि आपने यहाँ पे टोकन भेजा था, लेकिन अब आप जो है ना किसी अदर नेटवर्क में भी यहां से भेज सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पे बिनांस वाले अकाउंट में आपके पास ERC20 वाला USDT आया था, लेकिन अगर आप यहां पे चाहते हैं सोल वाला हो गया या फिर TRC20 वाला हो गया, वो आप USDT यहां से भेजना चाहेंगे तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए बाइनांस ऑटोमेटिक एक सिस्टम दे दिया आपको, यहां पे ब्रिज बना दिया कि आप जो है ना एक नेटवर्क का कॉइन दूसरे नेटवर्क में आप भेज सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पे सेंड बी क्रिप्टो नेटवर्क, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखिए यहां पे नेटवर्क आपसे पूछ रहा है ना, यहां पे नेटवर्क देखिए ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए सारे नेटवर्क आपको मिल जाएगा, कौन सा नेटवर्क का USDT यहां से आप सेंड करना चाहते हैं। तो चूंकि आपके पास ERC20 वाला आया था, अब यहां से आपको मौका मिल जाता है कि आप जो है कि अवेक्स वाला चूज कर सकते हैं, BIP20 वाला, BIP2 वाला, ERC20, पॉलीगन, सोलाना, TRC20, और आपको यहां पे फी भी दिख जाएगा। अगर आप फी देखेंगे तो यहां पे सोलाना का एक है, पॉलीगन का भी एक है, और ट्रोन का भी एक USDT है। अगर आप यहां पे इथेरियम का अगर आप देख लेंगे ERC20 वाला, तो यहां पे $10 आपका फी कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप यहां पे TRC20 करके कंफर्म आप यहां पे कर दीजिए, और आप जो यहां पे भेजना चाहते हैं किसी को भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसको आप भेज सकते हैं TRC20 वाले नेटवर्क से, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिज का जो काम है, इस तरह से हर एक्सचेंज वाले यहाँ पे एक आपको फैसिलिटी देते हैं कि किसी भी नेटवर्क का क्वाइन हो आप किसी अदर नेटवर्क में भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी क्वाइन है उसको अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या होगा कि यहां से अगर आप एक्सचेंज भेजेंगे तो आपको फीस देना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज से आप कन्वर्ट करके जैसे यहां से आपने ERC20 वाला भेजा, फिर एक्सचेंज से आप TRC20 भेजेंगे तो आपको दो बार चार्ज देना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप जो है ना कि ट्रस्ट वॉलेट से ही आप कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्वाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है ना उसको कहीं पे भी भेज सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ इसको। अब देखिए जैसे ये वाला मेरा ERC20 है, ये वाला TRC20 है, BIP20 वाला टीथर क्वाइन है, मैं एग्जांपल टीथर का ही दे रहा हूँ USDT का, ठीक है। आप कोई और भी क्वाइन ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इथेरियम भी BNB वाला मिल सकता है, ठीक है, मैटिक क्वाइन आपको जो है कि अलग अलग चेन का आपको मिल सकता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे DApps पे आना है, यहाँ आपको सर्च करना है क्या, बिनांस ब्रिज। ये आप ऐसे मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट वो वेबसाइट आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनांस ब्रिज में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, BRI बाइनांस ब्रिज। तो यहाँ पे देखेंगे गूगल पे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा बाइनांस ब्रिज, ये वाला लिंक मैं ओपन कर देता हूँ। आप डायरेक्ट जो है ये वाला जो भी जो मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्ट आप यहाँ से देखिए, ये AnySwap का ऑप्शन आपको मिल जाता है ना, ये डायरेक्ट आप यहाँ से AnySwap ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन वन आपको जो मिल रहा है वो Binance.com यानी जो एक्सचेंज है, वो मतलब आपको स्वैप करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो ये वाला ऑप्शन आपको मैंने तो बता ही दिया कि आप एक्सचेंज पे जाके Binance पे कर सकते हैं, या फिर आप अदर एक्सचेंज भी यूज करते हैं तो वहां भी आपको ये ब्रिज वाले फैसिलिटी मिल जाती है, आप जो है ना कि क्रॉस चेन पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, AnySwap का ऑप्शन है, यहाँ पे सेलर सी ब्रिज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स, ये वाला डॉक है ना, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में है। तो आप देखें यहां पे ये लिंक मिल जाएगा, ये सब बहुत सारे आपको यहां पे लिंक मिल जाएंगे, किसी पे भी जाके आप जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है यहां पे देखिए AnySwap का ऑप्शन आपको मिलेगा ना, ये वाला जो है इस पे ही लोग करते हैं मोस्टली, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इस पे क्या करना, तो इस लिंक पे ऐसे मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पे देखिए मल्टी क्वाइन वॉलेट जो है वो आपका यहाँ पे पूछेगा, जो आपका ट्रस्ट वॉलेट वाला यहाँ पे आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा। देखें यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे इथेरियम चूज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास TRC20 वाला USDT है, तो मैं यहाँ पे इथेरियम की जगह क्या करूंगा, TRC20 यानी ट्रोन वाला मैं यहाँ पे
चूज कर लूंगा, अभी यहाँ पे ट्रोन वाला नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नहीं ब्रिज का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पहले क्या था कि आप पैनकेक स्वैप पे भी आपको ब्रिज का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन बिनांस ने उसको बंद कर दिया केवाईसी वगैरह के इशू को लेकर, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना कि बिनांस अपने एक्सचेंज पे देना चाहता था ताकि वहां पे लोग केवाईसी वगैरह करके तब जाके ब्रिज का फायदा उठा सके, समझ रहे। तो आपको यहाँ पे देखिए V1 वर्जन 1 का आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन मिल रहा है, पूल का ऑप्शन मिल रहा है, स्वैप का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इथेरियम मेन नेट है और यहाँ पे आपका जो है ना बेनांस वाला जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है वो यहाँ पे कनेक्ट है, वो वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे ब्रिज के ऑप्शन पे चले जाना है, जाने के बाद देखिए आपका यहाँ पे कनेक्ट टू वॉलेट, यहाँ पे ये कनेक्ट कराना पड़ेगा अपना ट्रस्ट वॉलेट। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाला जो वेबसाइट है मेरे इस टैबलेट में जो है ना कि ओपन होने में हैंग हो जा रहा है, बार बार यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ, आप यहीं से जो है ना कि किसी भी नेटवर्क के क्वाइन को आप यहाँ पे दूसरे नेटवर्क में एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ आपको नेटवर्क चूज कर लेना है, यहाँ पे जो क्वाइन है वो आपको चूज करना है, किसमें किस नेटवर्क में आपको करना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे नीचे क्रॉस चेन यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप रिडीम पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप जो है ना स्वैप कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क में, कैसे आपको यहाँ पे ये वाइन चूज कर लेना है कौन सा BEEP20 वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए BSC मेन नेट सेलेक्ट है, आपको यहाँ पे दूसरा नेटवर्क चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो क्वाइन आपका दूसरा वाला है किसमें स्वैप करना चाहते हैं किस नेटवर्क में वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, और उसका जो रिसीविंग एड्रेस है वॉलेट का एड्रेस है डायरेक्ट आप यहाँ पे वो ERC20 या TRC20 या BEEP20 यहाँ पे आप करके, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है रिडीम पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होगा उस वाले वॉलेट में आपका जो क्वाइन है जो आपने एक्सचेंज किया किसी अदर नेटवर्क में उसमें आपका चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दरअसल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, इस वजह से मैं आपको क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बना दीजिए, पूरा लाइव प्रूफ दिखा दीजिए कैसे कैसे यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको दूसरा वीडियो में ट्राई करूंगा फोन से बनाने का, फोन में जो है कि मैं आपको लाइव करके भी दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो है आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसे मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिनांस ब्रिज ओपन कर लीजिएगा गूगल में, वहां पे देखिए यहाँ पे जो है ना कट गया, ठीक है। बिनांस ब्रिज गूगल में ओपन कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे आपको वेबसाइट मिलते हैं जहां से आप जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।